वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टार फिल्म कलंक बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले ही फिल्म का कई गाना तहलका मचा चुका है, खासकर वरुण धवन का फिल्म माया गया गाना, जिसमें सब कुछ फर्स्ट क्लास है। जी हाँ, गाने के बोल ऐसे हैं कि बस सुनते ही जुबा पर छा जाए। वरुण का स्वैग इस गाने में साफ साफ नजर आ रहा है। बता दें, वरुण के करियर में एक और सुपरहिट गाने को जोड़ने में संगीतकार प्रीतम दा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आखिरकार कहां से आया है ये फर्स्ट क्लास, हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि वरुण के इस फर्स्ट क्लास लुक और कैची लाइन के पीछे एक बड़ा राज है, जरा जिस पर से फिल्म के संगीतकार प्रीतम दा ने पर्दा उठा दिया। उन्होंने बताया कि गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने जब ये गाना उन्हें लिख कर दिया था तो उनके और फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक वर्मन के बीच काफ़ी बहस हुई थी। साल 1940 में लोग कैसे फर्स्ट क्लास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने कहा कि उनके दादाजी उस जमाने में सब कुछ फर्स्ट क्लास है, ऐसा कहा करते थे। फिर उन्होंने उन दोनों को 1953 में रिलीज़ हुई फिल्म दो बीघा जमीन की क्लिप दिखाई, जहां एक स्वर्गीय एक्टर महमूद जी कहते हैं और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ये देखने के बाद ऐसा उन्हें ऐसा लगा कि अगर 1953 की फिल्मों में फर्स्ट क्लास जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था तो क्यों ना मैं 1945 के दशक को दिखती फिल्म कलंक में वो उस शब्दों को रखूं जिसे आज की जनता देखने वाली है। तो कुछ ऐसा ही तैयार हुआ वरुण धवन का फर्स्ट क्लास सॉन्ग। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।